ये दुर्गा पूजा समिति जंगली प्रसाद लेन में प्रिंस क्लब के माध्यम से आज दुर्गा पूजा समिति के जो पुराने सदस्य जिन लोगों ने इसकी स्थापना की थी, जिन लोगों ने इसको चलाया लंबे समय तक, आज उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ये एक बड़ी अच्छी बात, हमारे समाज के अंदर जहां बुजुर्गों की उपेक्षा की बात लगातार होती रहती है, वहां समिति के सदस्यों ने इस समिति के संस्थापकों को, जो आज एक बड़ी उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, उनको बिठाकर उनका सम्मान करना एक तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बराबर। देखिए, आज जंगली प्रसाद लेन में लगभग 81 वर्ष से दुर्गा पूजा संपादित होता रहा है और इस अवसर पर जो जंगली प्रसाद लेन जो आयोजन समिति है, उन्होंने अपने बुजुर्गों का सम्मान रखा या एक योजना रखी कि जो इस पूजन में लगातार वृद्ध बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक आ गए, वैसे लोगों का सम्मान हो, उसी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जंगली प्रसाद लेन पूजा पंडाल में। और इस अवसर पर जो तमाम हमारे संरक्षक और बुजुर्ग और अभिभावक तुल्य, जो हमारे गार्जियन जैसे जो स्वरूप के लोग थे, उनका सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में हमारे माननीय पूर्व मंत्री एवं पटना साहिब के विधायक श्री नंद किशोर यादव जी उपस्थित हुए और उनके हाथों जो है यह सम्मान समारोह किया गया। और यह एक परंपरा हम लोगों ने शुरू किया है, एक ऐसी परंपरा कि बुजुर्गों का सम्मान, पुरखों का सम्मान, जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों और पुरखों का सम्मान करता है तो आने वाली पीढ़ी फिर उस व्यक्ति का भी सम्मान करता है। और यह जो परंपरा है वो हम लोगों ने जंगली प्रसाद लेन से शुरू किया है प्रिंस क्लब के तत्वाधान में। और हम लोग जो है यह ऐसी आशा करते हैं कि हर युवा वर्ग को अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने माता पिता सबका सम्मान और उनके प्रति वंदन और उनके प्रति जो है दिल में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। देखिए, आज भगवती दुर्गा मेरे हाथों में है और सर्व मंगल मांगले सर्व साधिक के नारायणी नमस्तुते। तो ये स्त्री रूप में, यानी कि माँ, जब माँ शब्द ही आता है तो यहाँ ममता मई उभरता है। माँ अगर किसी को भी आप बोलते हैं तो लगता है जैसे हृदय को छू लेता है। माँ शब्द अपने आप में एक शब्द है, माँ। तो आज जो माँ की प्रतिमा है, माँ की प्रतिमा बैठी हुई, आज काल रात्रि का दिन है, तो जितनी भी युवा पीढ़ी है सबों को यही कहना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम जंगली प्रसाद लेन में प्रिंस क्लब की ओर से रखी जा रही है, 81 वर्षों से लगातार यहाँ संजीव सिन्हा जी के द्वारा नींव रखी गई और उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये मूर्ति स्थापित किया और अपने पिताजी के ओर से ये जो है जंगली प्रसाद लेन में सारे युवा, सारे जो जितने बुजुर्ग थे सभी मिलकर मूर्ति पूजन कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग का जो सोच है, कमिटी का सोच है कि ओल्ड इज द गोल्ड, यानी सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है उनकी मान सम्मान अपने घरों के बच्चे भी करें। अगर आप सही मायने में देवी देवता का पूजा करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपके घर में माँ है, पिता है, बहन है, उनकी सम्मान। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति प्रिंस क्लब जंगली प्रसाद लेन की ओर से माँ के स्थापना के 81वें वर्ष में प्रवेश करने पर हमने समिति के फाउंडर मेंबरों का स्वागत किया, साथ ही साथ समिति के सारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, उनका भी स्वागत किया। आज इस मौके पर हमारे लोकप्रिय विधायक नंद किशोर यादव जी आए, उन्होंने हमको, हम लोगों को सम्मानित किया। और ये बहुत गर्व का विषय है कि हमने एक संस्कार पाया है जो हमको मिला है विरासत में, हमको उसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो जो हमको विरासत में छोड़ करके गए हैं उनका सम्मान करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, उनका मान बढ़ाना, ये मेरा दायित्व है। ऐसा कर्म करने से ही समाज का निर्माण होता है। और हम लोग ये निरंतर सेवा भावना, आज देखिए निगरानी सेवा और सहायता शिविर के माध्यम से भी हम लोग हमेशा सेवा और सत्कार में लगे हुए रहते हैं। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज की जो भी पीढ़ी है वो अच्छे संस्कार की ओर बढ़े, अपने माता पिता और बड़े लोगों का आदर करें, संस्कार करें,
ताकि उसे तरक्की हो। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।